नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुराग मुस्कान और आप देख रहे हैं देश को आवाज देने वाला इकलौता और नंबर वन करंट अफेयर शो घंटी बजाओ, आपका अपना शो। आज आपको हम दिखाने जा रहे हैं ऑपरेशन पिंडारी। नहीं समझे ना, समझाते हैं। देखिए, 18वीं और 19वीं शताब्दी में पिंडारी लुटेरे थे। वो लुटेरे थे जो जनता को बेरहमी से लूटते थे। जनता को लूटते लूटते पिंडारी फिर राजा और राज्य के लिए भी चुनौती बन गए। इतिहास में दर्ज है कि पिंडारी वो लुटेरे थे जो लोगों की परिस्थितियों को बिना समझे, बिना जाने उन्हें मार तक डालते थे, सिर्फ लूट के अंजाम देने के लिए। अब 21वीं सदी चल रही है, लेकिन आधुनिक युग में भी जनता के हालात, परिस्थिति, उसकी दशा को समझे बिना आज के आधुनिक पिंडारियों की लूट जारी है। और यह कहानी है 21वीं सदी के पिंडारियों की, जो आपसे जुड़ी जानकारियां और आपसे जुड़े डेटा की लूट ही नहीं करते, बल्कि आपके विचारों, आपकी सोच, आपके मन पर कब्जा करके आपको आर्थिक गुलामी में धकेल तक रहे हैं। जी हाँ, आप एक कॉल करते हैं ना और ये लुटेरे आपके बैंक अकाउंट की आर्थिक कुंडली खंगाल लेते हैं। आप एक ट्रेन का ऑनलाइन टिकट बुक करते हैं ना तो ये लुटेरे आपकी आर्थिक स्थिति को स्कैन कर लेते हैं। आप मनाली घूमने जाने का प्लान इंटरनेट पर खंगालते होंगे और ये लुटेरे आपका पूरा प्लान आपके फायदे के लिए चुरा लेते हैं। देश में जनता का निजता और आर्थिक आजादी को चोट पहुंचाने वाले डेटा चोरी की सबसे बड़ी तफ्तीश आज आप देखेंगे ऑपरेशन पिंडारी में। जरा ध्यान से देखिएगा। आप देश में किसी भी बैंक के उपभोक्ता हो, आप अपनी बेहद निजी जानकारी बैंक को देकर खुद को और अपने खाते में जमा पैसे को सुरक्षित समझ रहे हो, लेकिन आपके खाते से जुड़ी सारी जानकारी देश में बिक रही है। आपको पता भी नहीं चलता, लेकिन आप कैसे लूट जाते हैं, ये खुलासा है ऑपरेशन पिंडारी। आप इसी की खरीदारी के लिए सिर्फ जानकारी ही पता करने में जुटते हैं, लेकिन तभी आपके मोबाइल पर अलग अलग शॉपिंग वेबसाइट से, अलग अलग दुकानों से, अलग अलग कंपनियों के एसी के बारे में एसएमएस पर एसएमएस आने लगते हैं। क्या आपने सोचा आखिर कैसे? आपके मन में उठती हर सोच पर कब्जे का खुलासा है ऑपरेशन पिंडारी। फेसबुक पर आपने खाना बनाने की किसी विधि का वीडियो देखा होगा। अचानक आपकी टाइमलाइन पर आपको फूड रेसिपी से जुड़े वीडियो देखने के लिए भेजे जाने लगते हैं। इसका सच हम बताएंगे। आपके फेसबुक अकाउंट से आपके मन को वश में करने का खुलासा है ऑपरेशन पिंडारी। आप बिना किसी को बताए मनाली जाने के लिए रेलवे का टिकट बुक करवाते हैं, तभी आपके मोबाइल पर मनाली के होटल और रेस्टोरेंट के ऑफर आने लगते हैं। आखिर कैसे? देश में हर वक्त आपके पीछे पड़े जासूसों का सच दिखाएगा ऑपरेशन पिंडारी। आपके अकाउंट में कितनी सैलरी आती है, आप कितना लोन घर का चुका रहे हैं, आपके पास डेबिट क्रेडिट कार्ड कितने हैं, कौन सी गाड़ी आप चलाते हैं, आपने आखिरी छुट्टी कब मनाई थी, कहां गए थे, किसके साथ गए थे, हर गुप्त जानकारी बिक रही है, बस दाम लगाना है। आपको बीच बाजार में खड़ा कर आपकी नीलामी का खुलासा है ऑपरेशन पिंडारी। मैं आपको अगले 3 दिनों में डाटा निकलवा के डायरेक्ट, जो आज की डेट तक का होगा। आप एक बार किसी पैथोलॉजी सेंटर में खून की जांच के लिए गए,
थोड़ी ही देर में अलग अलग पैथोलॉजी से आपके फुल बॉडी चेकअप के अलग अलग पैकेज बताने वाले फोन कॉल्स, SMS और ईमेल आने लगते हैं। आपने सोचा ही नहीं होगा कि आखिर कौन आपके पीछे पड़ा है। देश में हर वक्त आपके पीछे लगे अदृश्य लुटेरों का सच दिखाएगा ऑपरेशन पिंडारी। ABP न्यूज के अंडरकवर रिपोर्टर इंद्रजीत राय आज देश के सामने रखने वाले हैं वो हकीकत, जिसे देखने के बाद देश की सरकारों को आपकी निजी जानकारियों की सुरक्षा के लिए बहुत बड़ा फैसला लेना होगा, क्योंकि सिर्फ 4 पैसे में करोड़ों लोगों की बोली बाजार में लगवा देने का खुलासा है ऑपरेशन पिंडारी। एक कॉल, एक ऑनलाइन ट्रेन टिकट बुकिंग, एक बार ऑनलाइन शॉपिंग। आप एक बार ऑनलाइन होकर कुछ देख भी रहे हैं तो आज के युग के आधुनिक लुटेरे पिंडारी फौरन आपको लूटने का इंतजाम कर लेते हैं। कैसे हो रही है देश की जनता को आर्थिक चोट पहुंचाने की साजिश, आप अपनी आंखों से देखिए। देश में कुल 93 करोड़ बैंक खाते हैं। बैंक कहता है आपकी दी हुई जानकारी बेहद सुरक्षित है। देश में 92 करोड़ 51 लाख क्रेडिट कार्ड धारक है, जिनसे जुड़ी जानकारी बैंक अपने पास महफूज होने का दावा करता है। लेकिन आज आपके होश उड़ जाएंगे ये देखकर कि आपके बैंक अकाउंट की एक एक जानकारी बेची जा रही है। जी हाँ, बेची जा रही है। ये सच आपके सामने लाने के लिए एबीपी न्यूज संवाददाता इंद्रजीत राय अंडरकवर रिपोर्टर बनकर दिल्ली में मिलते हैं राहुल गुप्ता नाम के शख्स से, जिस तक पहुंचना आसान नहीं था। इस शख्स तक पहुंचने के लिए एक नेटवर्क के तारों को पकड़ना पड़ता है, लेकिन हम राहुल तक पहुंचे, जो देश की जनता से जुड़ी बेहद निजी जानकारियों का विक्रेता है। पहली ही मुलाकात में देश की जनता का भरोसा बेचने वाला राहुल काम की बात पर आ गया। जिस जानकारी के आधार पर बैंक आपसे कहता है आप अपनी पहचान साबित करिए, बैंक में कोई भी जानकारी आपको लेनी होती है तो बैंक आपसे आपका नाम, अकाउंट नंबर, जन्म की तारीख, पता, मोबाइल नंबर पूछता है, लेकिन आपकी पहचान साबित करने वाली क्रेडिट डेबिट कार्ड से जुड़ी हर जानकारी बाजार में बिकती मिली और इसका सबूत भी संवाददाता इंद्रजीत राय को मिला, जब आपके डेटा का सौदा करने वाला सौदागर राहुल हमें भरोसे में लेने के लिए हजारों लोगों के क्रेडिट कार्ड की गुप्त जानकारियां हमारे हाथ में दे चुका था। डेटा जो हमारे पास है ये क्रेडिट कार्ड होल्डर्स का है, यानी कि क्रेडिट कार्ड किस बैंक से जारी हुआ है, किस तारीख को जारी हुआ है, ये तमाम जानकारियां मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूं। ये एप्लीकेशन का सीरीज नंबर है, यानी बैंक में एक फाइल क्रिएट होती है हर क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड से रिलेटेड, उस पर एक नंबर पड़ता है, ये उस नंबर है। ये कार्ड किस कैटेगरी का है, गोल्ड है, सिल्वर है या क्या है, इस कार्ड का जिक्र है, कस्टमर का यहाँ पे नाम है, एड्रेस 1, एड्रेस 2, एड्रेस 3,
पिन कोड, सेल नंबर, यानी कि इस क्रेडिट कार्ड से कौन सा मोबाइल नंबर अटैच्ड है। इसके अलावा ये बैंक की दूसरी सेंसिटिव चीज़ें ये यहाँ पे दी गई हैं, डेट ऑफ बर्थ, यानी कि इस उपभोक्ता का जो रिकॉर्डेड, जो रिकॉर्ड में जन्म तिथि है, डेट ऑफ बर्थ है, वो क्या है ये दिया गया है। इसकी लिमिट कितनी है, ये कितना पैसा इस कार्ड से खर्च कर सकता है, उसका यहाँ पे ब्यौरा दिया गया है। ये क्रेडिट कार्ड कहाँ से इशू हुआ, किसने इस क्रेडिट कार्ड को इशू किया, इसका जिक्र है। इसके अलावा और कॉलम्स हैं जिसमें बैंकिंग से जुड़ी दूसरी जानकारियां हैं, प्रेफरेंस वन, प्रेफरेंस टू, जो कोडिंग है प्रेफरेंस थ्री, ये किस बैंक अकाउंट नंबर से ये अटैच्ड है, ये क्रेडिट कार्ड जो लिंक्ड है ये किस बैंक अकाउंट से लिंक्ड है, इस बैंक अकाउंट का ब्यौरा यहाँ पे दिया गया है। अगर आपको लगे कि कोई आपके क्रेडिट कार्ड की जानकारी लेकर क्या कर सकता है, तो भरोसे के साथ हमारा ऑपरेशन पिंडारी देखिए, सब बताएंगे आपको। लेकिन अब देखिए, आपको पता चले बिना आपको लूटकर आधुनिक युग के लुटेरे पिंडारी कैसे आपको चूना लगाने वाली जानकारी बेच दे रहे हैं। शॉपिंग आंकड़े बताते हैं कि देश में 2020 तक 6 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा की ऑनलाइन शॉपिंग भारत में लोग करने लगेंगे। देश में अभी सालाना 9 करोड़ लोग ऑनलाइन खरीदारी कर रहे हैं। आप तो ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं और पैसे ऑनलाइन भर देते हैं, लेकिन आपकी खरीदारी की एक एक जानकारी आपके भरोसे को तोड़ कैसे बेच दी जाती है, इसका सबूत देखिए। अंडरकवर रिपोर्टिंग के दौरान ये डेटा हमारे हाथ लगा है। ये डेटा क्या है, मैं आपको डिस्क्राइब करने की कोशिश करता हूँ। ये देखिए, यहाँ पे ये उस व्यक्ति का नाम है जिसने ऑनलाइन खरीदारी की है, उसने क्या सामान खरीदा है, इसका यहाँ पर पूरा ब्यौरा है। उस सामान की कीमत क्या थी, उसका यहाँ पर ब्यौरा है। पेमेंट ऑप्शन क्या था, यानी कि इसका भुगतान कैसे किया गया, उसका यहाँ पर जिक्र किया गया है। किस बैंक के गेटवे के जरिए भुगतान किया गया, वो यहाँ पे इसका जिक्र है। इस अकाउंट के साथ रजिस्टर्ड मेल आईडी क्या थी, किस मेल आईडी पे इसके ओटीपी या बाकी कम्युनिकेशंस गए, उस मेल आईडी का जिक्र है। उस मोबाइल नंबर का जिक्र है जिस पे ओटीपी और बाकी कम्युनिकेशन जो उस प्लेटफॉर्म के जरिए किया गया, वो किस मोबाइल नंबर पे किया गया, उसका जिक्र है। इस मोबाइल को किस दिन वेरीफाई किया गया, यानी कि इसके यूज़र से कनेक्टिविटी को ये नियम है कि वेरीफाई करना होता है, किस तारीख को वेरीफाई किया गया, उसका जिक्र है। इसके अलावा इस व्यक्ति का पता क्या था, ये पूरा पता यहाँ पे दर्ज है। सिटी क्या थी, किस सिटी का ये व्यक्ति रहने वाला था, यानी ऑनलाइन खरीदारी से जुड़ी हुई वो हर जानकारी जिसे आप इस मुगालते में रहते हैं कि वो आपके अलावा किसी के पास नहीं है, वो सारी की सारी जानकारी बेची जा रही है, वो खुले बाजार में उपलब्ध है। सरकार एक तरफ डिजिटल इंडिया की बात करती है, लेकिन डिजिटल इंडिया में जी रहे लोगों को लूटने का बाजार ऑपरेशन पिंडारी में सामने आया। कैसे, इसका सच भी अंडरकवर रिपोर्टर इंद्रजीत राय की पड़ताल में सामने आता है। जब जनता की निजी जानकारियां बाजार में बेचने वाले सौदागर से हमने एक सवाल पूछा। यही होता है, जो भी वहाँ बंदा बैठता है ना वही चीज़ें आता है, कौन आया, कितने बजे, किससे मिला, किस डॉक्टर से मिला, कितने किस पे करी, उसके बाद कोई शीट बनती है, शीट बनने का क्या होता है, अगर कोई बंदा हमारे कभी होता है कॉन्टैक्ट होता है उसके पास जाता है, तो मैं ये आया अब तक प्रेजिटल ही आया, मतलब चीज़ें मैं कितने बजे का वर्तमान के पास होती है, अगली प्लेस पर मिलता है तो मुझे उसको भेजता है, वो आगे अच्छा।
यानी देश के आम आदमी की निजी जानकारी, जनता के मोबाइल, बैंक, क्रेडिट, डेबिट कार्ड नंबर, जनता का पता, उसकी आर्थिक स्थिति का एक चार्ट बनाकर, जनता को एक प्रोडक्ट बनाकर बाजार में बेच दिया जा रहा है। जैसे अंडरकवर रिपोर्टर को अपना ग्राहक बनाने के लिए जनता के डेटा के सौदागर राहुल गुप्ता ने मोबाइल उपभोक्ताओं की एक बड़ी जानकारी जो कंपनी और ग्राहक के सिवा किसी को पता नहीं होनी चाहिए वो सामने आ गई। आपका मोबाइल किस पते पर रजिस्टर्ड है, आपका फोन नंबर किस पते पर रजिस्टर्ड किया गया है, उसके साथ क्या जानकारियां दी गई हैं, वो भी इस बाजार में बिक रही है। ये एक सीरीज है मोबाइल नंबर की, टेलीफोन नंबर की। इसको लेने के लिए यूजर ने किस नाम का इस्तेमाल किया, किस नाम से रजिस्टर्ड है, उसका सेकंड नेम जो है यानी कि सर नेम है वो क्या है, बिल कंपनी के नाम पे हो रहा है या इंडिविजुअल उसको दे रहा है, उसका यहाँ पे ब्यौला है, बिल का एड्रेस, बिलिंग एड्रेस जो है वो क्या है, उसका यहाँ पे ये तमाम ब्यौरा दिया गया है, बिल की सिटी क्या है यानी कि ये किस सिटी से बिल जनरेट हो रहा है, ये फ़ोन नंबर पोस्ट पेड है या प्री पेड है, उसका पूरा ब्यौरा बेचा जा रहा है। और ऐसा नहीं है किसी एक ऑपरेटर का है, हर टेलीफोन ऑपरेटर का इस तरीके का डेटा इस बाजार में मौजूद है। आपकी ये जानकारियां सार्वजनिक करके आपको लूट के उस बाजार में खड़ा कर दिया जाता है जहां कब आपकी सारी जमा पूंजी लूट जाए आप सोच नहीं सकते। 2014 से 2016 के बीच क्रेडिट कार्ड के जरिए 200 करोड़ का साइबर अपराध हो चुका है। इंटरनेट बैंकिंग में 300 करोड़ रुपए की धोखेबाजी, लूट का शिकार जनता को होना पड़ा है। ऐसे ही किसी धोखे, लूट, फर्जीवाड़े का शिकार एक आम नागरिक योगेंद्र गजपुरी भी हो सकते थे, जिनकी बेहद निजी आर्थिक जानकारियां हमें डेटा के सौदागर ने दे दी। जब हमने योगेंद्र गजपुरी को इस बारे में बताया तो वो हैरानी के साथ सदमे में आ गए। कोई भी अपराधी प्रवृत्ति का आदमी अगर मेरे साथ गलत करना चाहता है, उसका मेरा पर्सनल ईमेल आईडी उसके पास है, मेरा घर का पर्सनल नंबर जो लैंडलाइन नंबर है वो उसके पास है, मेरा मोबाइल नंबर उसके पास है, मेरी पत्नी का नाम उसके पास है, मेरे कितने बच्चे हैं उनका नाम उसके पास है, क्या नहीं कर सकता है वो मेरा, मतलब अगर वो मेरा नुकसान करना चाहता है, मेरा बैंक अकाउंट नंबर उसके पास है, कौन सी, मतलब कौन सा नुकसान नहीं कर सकता, वो सभी कुछ कर सकता है। वो इसी खौफ में जी रहा है हिंदुस्तान, लेकिन ये खौफ और खतरा कितना बड़ा है यह अब आपको पता चलेगा। क्या आपके डेबिट कार्ड की जानकारी भी मार्केट में बेच दी जा रही है? आपको लूटने वाली निजी जानकारियां क्या चार पैसे में बेची जाती हैं? क्या आपके फोन कॉल को रिकॉर्ड करके भी धोखा देने का सौदा होता है? आपके फेसबुक अकाउंट का डेटा बिकने से आपका क्या नुकसान होगा? क्या ये भी बाहरी लोगों को पता है कि आपकी सैलरी कब और कितनी अकाउंट में आ रही है? क्या आपकी रेल हवाई यात्रा की जानकारी भी मार्केट में बिक जाती है? संवाददाता इंद्रजीत राय के ऑपरेशन पिंडारी में बड़े खुलासे होने अभी बाकी हैं। देखिए, आपको बता दें कि एबीपी न्यूज संवाददाता इंद्रजीत राय का मकसद देश की आम जनता की जानकारियों का डेटा बेचने वालों से डेटा खरीदना नहीं था, बल्कि उनका सच देश के सामने लाना था। हमें देश के 1 लाख से ज्यादा लोगों की गुप्त निजी जानकारियां, उनके मोबाइल, बैंक, क्रेडिट कार्ड की जानकारी बेचे जाने का सबूत मिला है, लेकिन जो कीमत आपको लूटने की पता चली वो हैरान कर देगी आपको। एबीपी न्यूज के अंडरकवर रिपोर्टर इंद्रजीत राय के सामने लोगों की जानकारियां बेचने वाला राहुल गुप्ता बैठा हुआ था। संवाददाता इंद्रजीत राय ने अब इससे असली चीज पूछनी शुरू की कि आखिर ये सौदागर देश के कितने लोगों की कौन कौन सी जानकारी बेचने का सौदा कर सकता है। ¿Qué es lo que se llama?
घंटे में देंगे 5 करोड़। ऑपरेशन पिंडारी में इस तरह चौथा खुलासा हुआ कि एक सौदागर देश के 10 से 20 करोड़ लोगों की बेहद निजी जानकारियां बेचने का सौदा कर रहा था और 5 करोड़ लोगों के बैंक क्रेडिट डेबिट कार्ड मोबाइल और दूसरी जानकारियां 8 लाख रुपए में बेचने को तैयार हुआ, यानी 4 पैसे प्रति व्यक्ति के हिसाब से लोगों को बाजार में बेचा जा रहा है। सौदागर राहुल गुप्ता ने जो डेटा हमको शुरुआती तौर पर दिया उसमें से एक अहम जानकारी निकली फरीदाबाद में रहने वाले आकाश की। आकाश को जब इस बारे में पता चला तो इन्हें महसूस हुआ किस आर्थिक जोखिम के बीच ये सांस ले रहे हैं। अभी तक मैं पूरा समझता था कि अगर मैंने अपने मोबाइल में OTP सेट कर रखा है, मेल में मैंने अपना OTP सेट कर रखा है, तो उस केस में मेरी हैकिंग के होने के चांसेस सबसे कम है। OTP अगर किसी के पास चला गया है, अगर पहले के चले गए तो क्या गारंटी है कि अभी लाइव नहीं जा रहे हैं, तो वो मेरे अकाउंट से कुछ भी कर सकता है। क्योंकि एक आम आदमी की पहचान अब सिर्फ नाम और पिता का नाम नहीं होता, देश में अब आम आदमी की पहचान होता है डेटा। डेटा पर ही आम आदमी की पहचान निर्भर करती है, डेटा पर ही आम आदमी की सोशल जिंदगी निर्भर करती है, डेटा पर ही आम आदमी की आर्थिक सुरक्षा निर्भर करती है। लेकिन उसी डेटा को चुरा कर बेचने के लिए देश के नियम कानून की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। सुनिए इंद्रजीत राय के ऑपरेशन पिंडारी का 5वां खुलासा। यानी आम आदमी के फोन कॉल तक को रिकॉर्ड करके उसकी निजी जानकारियों को सार्वजनिक करने का खेल देश में खेला जा रहा है। लेकिन ये खेल सिर्फ इतना बड़ा नहीं, अभी बहुत चौंकाने वाले खुलासे होने बाकी हैं। क्या देश में SSP और जजों के बैंक खाते की जानकारी भी बिकती है? आपके ट्रेन टिकट बुक कराते ही कौन आपकी जानकारी बेच देता है? आपके होटल में दाखिल होते ही आपकी जानकारी क्यों बेची जाती है? आपके पास कौन सी गाड़ी है ये जानकारी कोई क्यों खरीदता है? आपकी सैलरी कितनी है और कब अकाउंट में आएगी ये कैसे पता चल जा रहा है? संवाददाता इंद्रजीत राय के ऑपरेशन पिंडारी का अहम हिस्सा आना अभी बाकी है। आप देख रहे हैं ऑपरेशन पिंडारी। अच्छा ये बताइए कि क्या कभी आपने सोचा है अगर आप घर खरीदने के लिए ऑनलाइन सर्च करते हैं तो अचानक अलग अलग बिल्डर्स के यहां से फोन क्यों आने लगते हैं आपको? आपको TV ही सही कराना है और आपने सर्विस सेंटर का नंबर जानने के लिए इंटरनेट पर सर्च भी किया तो अचानक फोन कॉल्स की बाढ़ आ जाती है, क्यों? आखिर ये कैसे होता है? इन लोगों को हमारी निजी बातें आखिर कैसे पता चल जाती है? हमारा नंबर कैसे इन तक पहुंचता है? आज घंटी बजाओ में ऑपरेशन पिंडारी के जरिए हम आपको बताने जा रहे हैं कि अगर किसी के पास आपकी निजी जानकारी है तो इससे क्या होगा। तो इतना जान लीजिए कि ऐसे लोग आपका अकाउंट खाली कर सकते हैं। ये लोग ऐसा कैसे करेंगे, कैसे आप अपने खून पसीने की कमाई बचाएं, ये सब आपको हमारी इस रिपोर्ट में मिलेगा जिसको हमने नाम दिया है ऑपरेशन पिंडारी। कि अगर किसी ने आपकी निजी जानकारी बेच भी दी तो उससे क्या होगा, आपकी निजी जानकारी का क्या क्या गलत इस्तेमाल हो सकता है, कोई आपका बैंक अकाउंट कैसे खाली कर सकता है, आखिर आपकी निजी जानकारी कैसे इन लोगों के हाथ लग जाती है। आपसे जुड़े इन अहम सवालों का जवाब ढूंढने के लिए ही ABP न्यूज संवाददाता इंद्रजीत राय हमारा और आपका डाटा बेच रहे इन 3 लुटेरों को अपने खुफिया कैमरे में कैद किया। आपको जानकर हैरानी होगी कि ये लोग 8 लाख रुपए में हमें 5 करोड़ लोगों की निजी और संवेदनशील जानकारी देने को राजी हो गए। इस तरह प्रति व्यक्ति जानकारी का खर्च आया सिर्फ 4 पैसे। हो सकता है कि इन 5 करोड़ लोगों में आपका भी नाम शामिल हो। ये दक्षिणी दिल्ली का नेहरू प्लेस है जहां देश का सबसे बड़ा कंप्यूटर मार्केट है।
यहाँ एबीपी न्यूज संवाददाता इंद्रजीत राय अमित जैन से मिले, जिसका असल धंधा आम लोगों का डाटा बेचना है। हमने इससे जानकारी जुटाने के लिए खुद को लोगों की निजी जानकारियों का खरीदार बताया और डेटा खरीदने की इच्छा जताई। हमारी बात सुनकर अमित जैन उन 15 लाख लोगों की जानकारी देने का हमें ऑफर देकर चौंका दिया, जो अक्सर हवाई सफर करते हैं। ये डेटा हमारे काम का हो सकता है। लॉगिन टाइम, फ्लाइट 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 होमडे वन वे रन गोइंग टू डिपार्चर रिटर्न ट्रेवल क्लास पहुँचिए, पैसेंजर का नाम क्या है, सिटी नंबर क्या है, मोबाइल नंबर क्या है, ईमेल आईडी क्या है, किस दिन गया था, तीन स्टेट ट्रैवल से ठीक है, पेमेंट कैसे करा उसमें ठीक है। तो देखा आप, डेटा का ये सौदागर 15 लाख लोगों की जानकारी देने को तैयार है, ये बताने को तैयार है कि ये लोग कब घर से निकले, कितने बजे फ्लाइट में बैठे और कब अपनी मंजिल पर उतरे। ऐसा तब है जब सुप्रीम कोर्ट के 9 जजों की बेंच ये फैसला दे चुकी है कि प्राइवेसी यानी निजता देश के हर नागरिक का मूलभूत अधिकार है और ये हर हाल हर किसी को हासिल होना चाहिए। लेकिन हकीकत क्या है, आपने हमारी पड़ताल में देखा, इस डाटा बेचने वाले ने हमें 1 लाख लोगों की जानकारी मुफ्त में दे दी। लेकिन इस धंधे में ये चेहरा तो सिर्फ एक मछली है, रोहिणी के राहुल गुप्ता जैसी दूसरी मछलियां भी आम लोगों की निजी जानकारियां बेचने की दुकान सजाए बैठे हैं। रेलवे से आप अक्सर टिकट कराते होंगे, टिकट कराते समय आप एक फॉर्म भरते होंगे, पेमेंट करते होंगे और अपना टिकट हासिल करते होंगे। ये जानकारी भी इस खुले बाजार में बेची जा रही है। ये IRCTC पे जिन लोगों ने टिकट की खरीदारी की है, ये उनका ब्यौरा है। बुकिंग पर्सन की डेट ऑफ बर्थ कितनी है, बुकिंग पर्सन का ईमेल आईडी क्या है, यानी कि किस ईमेल आईडी पे टिकट भेजा गया है, इसके अलावा लास्ट नेम क्या है, इसका मेरिटियल स्टेटस क्या है, बुकिंग नंबर क्या है, जो रेफरेंस नंबर होता है बुकिंग का वो क्या है, जिस व्यक्ति के नाम ये टिकट बना है उस व्यक्ति का नाम क्या है और उस व्यक्ति का पता क्या है। ये खतरा कितना बड़ा है, अब ये आंकड़ों से जानिए। 2017 में 13 लाख लोग रोज ऑनलाइन टिकट कटवाते थे, तो पिछले एक साल 100 करोड़ हवाई जहाज की टिकट बुक कराए गए। तो इस तरह बड़े पैमाने पर लोगों की निजी जानकारियां बेची जा रही हैं, जिस वजह से जानकार भी इसे बहुत बड़ा खतरा मानते हैं। एक हाँ है कि उसको एडवर्टाइज के लिए टारगेट किया जा सकता है, ये हो सकता है, शायद वो इतना हार्मफुल नहीं होगा, बट उसकी आइडेंटिटी थेफ्ट करने के लिए डेटा यूज़ किया जाए तो हार्मफुल हो सकता है उसके लिए, या उसको फिजिकली हार्म करने के लिए डेटा का यूज़ किया जाए तो वो हार्म उसको हो सकता है। इस तरह के जो डेटा करने वाली एजेंसी जो है या जो भी एंटिटीज़ आपको मिली है, ब्रोकर आपको जो मिले हुए हैं, तो उनको डेटा प्राइवेसी के लिए रिस्पॉन्सिबल ठहराना बहुत ही ज़रूरी होगा। तो अगर वो रिस्पॉन्सिबिलिटी हम सेटअप नहीं करेंगे उनके लिए, तो शायद इस तरह का यूज़ ऑफ डेटा जो है कलेक्शन जो सिग्निफिकेंटली बढ़ सकता है। आपको ऐसे लोगों का भी पता चलेगा जो नई गाड़ियाँ रखते हैं, रहा ही उनका मॉडल। मेरे को हाई क्लास लोग भी हैं, हाई क्लास लोग में आते हैं IAS IPS जज मिनिस्टर्स के लिए। अच्छा, अब आप ही बताइए, अगर ये जानकारी किसी अपराधी को मिल गई तो उसका काम कितना आसान हो जाएगा। लेकिन खतरा उन लोगों पर भी मंडरा रहा है जिनके पास महंगी गाड़ियां नहीं है। पवन रेखा जैसी प्रोफेशनल भी शामिल है जो इस खुलासे से हैरान है। चौंकाने वाली बात यह है, पवन रेखा एबीपी न्यूज की ऑनलाइन जर्नलिस्ट हैं, जो इस तरह की जानकारी बेपर्दा होने से सकते में। मैंने
इसके बारे में बहुत पहले से खबरें सुनी थी, पढ़ी थी, लोग ऐसे रिपोर्ट्स दर्ज कराते रहते हैं, बट मुझे ये नहीं पता था कि मेरा डेटा भी कहीं बेचा जा रहा है। मेरे लिए तो बहुत शॉकिंग था। जैसे ही मुझे ये पता चला तो मुझे ये लगा कि अब मतलब कोई मुझे स्टॉक कर रहा है, वो मेरी सारे एक्टिविटीज़ को कैद कर रहा है, कोई मुझे ब्लैकमेल कर सकता है, कोई मुझे धमकी दे सकता है। मैं वर्किंग वूमेन हूँ, कई जगह अपने काम से बाहर आती जाती रहती हूँ, कुछ ऐसे काम भी हैं जो हम नहीं बताते हैं पहले कि हम क्या काम कर रहे हैं, तो उसके लिए थ्रेटनिंग हो सकता है कि कोई मुझे ब्लैकमेल कर ले कि हमें पहले से पता है कि आप क्या काम कर रहे हैं, कोई रात में उसके पास मेरा एड्रेस है वो जाके मेरा दरवाज़ा खटखटा दे आधी रात को, या फिर कुछ फेंक दे मेरे घर में, कुछ फेंक दे, पथराव कर दे, या फिर रात में मैं कहीं बाहर जा रही हूँ वो मुझे कुछ नुकसान पर्सनल लेवल पर भी पहुँचा सकता है। आपको बता दें कि एक डेटा बेचने वाली कंपनी ने इनका डाटा बेचने के लिए ऑनलाइन रखा हुआ है, जिसे कोई भी पैसे देकर खरीद सकता है। ये खतरा उन लोगों पर भी मंडरा रहा है जो फेसबुक इस्तेमाल करते हैं। सुनिए डाटा बेचने वाला अमित जैन कैसे इस गोरख धंधे को अंजाम दे रहा है। मेरा नाम ग्रुप है और उस ग्रुप में 10,000 जमा हुआ फेसबुक पर आपको दिखाई दे रहा है, लेकिन आप 10,000 जमा आपके जान के नहीं ना, आप उनका डाटा निकाल सकते हो ना निकाल सकते हो क्या 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 निकाल के देगा? ये तो उनका नाम, मोबाइल, ईमेल, मेल है, फीमेल है, सब कुछ फेसबुक पर चुराएगा। तो अब तक की रिपोर्ट में आपने देखा कि कैसे कौड़ियों के भाव में आपकी निजी और अहम जानकारियों को बेचा जा रहा है, लेकिन यहाँ सवाल वही है कि कैसे इन जानकारियों के सहारे कोई आपका अकाउंट खाली कर सकता है। इस सवाल का जवाब ढूंढते ढूंढते हमारी मुलाकात नोएडा में अभिषेक नाम के इस डाटा बेचने वाले से हुई, जिससे हमने लोगों की संवेदनशील जानकारी खरीदने की बात कही। थोड़ी देर बातचीत के बाद जब इसे हम पर थोड़ा भरोसा हो गया तो हमने इससे इस धंधे के तरीके के बारे में पूछा, ये जानने की कोशिश की कि आखिर ये सब होता कैसे है। तो सुनिए इस पर अभिषेक नाम के इस डेटा सौदागर ने हमें क्या जवाब दिया। उसको फोन किया पैथ लैब वाले, वॉइस कॉल किया उसको, मुझे ब्लड टेस्ट कराना था अपने घर में, कॉल कटा, उसके 10 मिनट बाद मेरे पास मैसेज आने लगे अलग अलग पैसे लगवा, ये सब कैसे कर? मैं बताता हूँ, मैंने एक लोन करवाया, ठीक है, अभी मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है, वो लोन अप्रूव करने के लिए मैंने उनको बोल दिया ठीक है आप मेरा इतना लोन अप्रूव कर दीजिए, उसके बाद वो तुरंत ही पहुँचेगा। अच्छा, तो ये इस तरह से रिफ्लेक्ट करते हैं, इनको कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, तो ये ऑनलाइन है, कितना सेकंड में इनके पास नोटिफिकेशन पहुंचता है, उसके बाद ये कॉल अप करना शुरू कर देते हैं, बुक्स करते हैं, बुकिंग करते हैं, ठीक है, अरे अपने इस ऑनलाइन शॉपिंग से या दूर से उठा लिया, इसलिए उसी टाइम में इमीडिएटली वो वेब सर्वर खींच लेता है वेबसाइट में। आपने कोई सर लिंक वेबसाइट पर ऐसा आपने विजिट करा होगा, उसके बाद उन्होंने नोटिफिकेशन सेंड करना शुरू करे होंगे? नहीं नहीं, वॉइस कॉल किया यार, सिंपल कॉल किया मोबाइल से कि भैया किसी को भेज दो मुझे ब्लड टेस्ट कराना है। ये होता है, यही आज के डेट में ये ट्रेंड चल रहा है ना मार्केटिंग का। लोगों की जानकारी चुराकर उसे बेचने का ये सारा खेल कितना संगठित है, ये समझने के लिए हम पहुँचे इंटरनेट एंड सोसाइटी की पॉलिसी ऑफिसर एंजेलिना के पास। कोई सीक्रेट नहीं है, डार्क वेब तो एक है, एक ये बड़ी सी वो उसको डिफाइन करना काफी मुश्किल है, मगर एक है कि जहाँ पे अनोनिमसली ये इंफॉर्मेशन बेचा जाता है और एक्सचेंज किया जाता है, तो सिक्योरिटी रिसर्चर्स काफ़ी यहाँ पे ढूंढते रहते हैं कि ये इन्फॉर्मेशन कहाँ से आ रहा है, तो इसी तरह कभी कभी हैक्स का भी पता चल जाता है, किसी कंपनी के डेटाबेस यदि हैक, यदि किसी सिक्योर सर्वर में नहीं है, क्योंकि आजकल फ़िलहाल जो अटैक्स हो रहे हैं ज़्यादातर वो इनसिक्योर सर्वर पे, क्लाउड, इनसिक्योर क्लाउड सर्वर पे डेटा रखने के तौर पे हो रहे हैं। यानी इस धंधे की जड़ें बहुत गहरी हैं, जिसके जरिए आपकी हर जानकारी बेची जा रही है, जिसमें आपका बैंक अकाउंट तक शामिल है। आखिर इस काम को कैसे अंजाम दिया जाता है और इससे जुड़े खतरे क्या क्या हैं? इस बारे में डाटा बेचने वाले इस नौजवान की बात अब आप बहुत ध्यान से सुनिए। देखिए जितना मैं बताया ना, पहले अवेयरनेस बहुत कम थी, क्योंकि उस टाइम का इतना फ्रॉड लेवल था, इतना हाई रिस्क नहीं था, अभी तो बहुत ही ज्यादा हाई कर दिया ना, जब से ओपन सेंडर आई डी शुरू हो गई है मैसेज की, तब से बहुत ज़्यादा रिस्क बढ़ गया, क्योंकि उन्होंने सिंपल सा ओपन सेंडर आई डी पर लिंक दे देना है,
बंदे ने टिकट का डिटेल दे दी, जो आप बता रहे हो कि अकाउंट नंबर मिल जाए या बैंक का नाम मिल जाए, अब मैं बताता हूँ बहुत सीधा सीधा एग्जाम्पल। कल जो आया था एक, हमारे पास खुद आते हैं ऐसे में, अच्छा हमारे पास ही भेजा, अगले ने लिंक भेज दिया है क्योंकि अपने रिडीम पॉइंट जो हैं कैश कर लीजिए या अपने जो भी है ट्रांसफ़र कर लीजिए, लिंक दे दिया है और बैंक का नाम उसे पता है अगले को, यहाँ इसका जैसे आपने बोला हमने डिटेल दे दी है, उसे पता है हमारा अकाउंट किस पे चल रहा है, ठीक है लिंक दे दिया है कि अपना रिडीम पॉइंट कन्वर्ट कर लीजिए, डिटेल फिलअप करने के लिए लिंक दे दिया है। अब डिटेल जैसे फिल करा तो बाकी इन्फॉर्मेशन उसके पास है, मतलब क्या क्या बोल सकते हैं, ज़्यादा बताना भी ठीक नहीं, मतलब उसमें ही कांड हो जाता सारा, तो पैसे अकाउंट चलेगा बिल्कुल कर लेगा, आप कर लोगे मैं कर लूँगा वो चीज़। तो अब तक आपको ये समझ में आ चुका होगा कि ये सब कैसे होता है, इसके खतरे क्या हैं। लेकिन अब भी ये बात आप नहीं समझ पाए होंगे कि ये जानकारी बाजार में बिकने से आपकी जेब कैसे कट सकती है। तो इस सबसे अहम सवाल का जवाब अब आपको हम देने जा रहे हैं, ध्यान से सुनिए क्योंकि मामला आपकी गाड़ी कमाई से जुड़ा है। मान लीजिए आपका इंटरनेट या फोन बैंकिंग का पासवर्ड खो गया और आपने बैंक के कस्टमर केयर को फोन किया, तो वो आपकी पहचान साबित करने के लिए आपसे कुछ निजी जानकारियां मांगता है, जैसे जन्म की तारीख, आपका बैंक के साथ रजिस्टर्ड पता, रजिस्टर्ड फोन नंबर, आपका डेबिट कार्ड नंबर। ये सारी जानकारियां सही बताने के बाद बैंक आपके निर्देशों का पालन करता है। अब मान लीजिए ये जानकारियां अगर किसी और के हाथ लग जाएं, तो वो बैंक को फोन करके अपने मुताबिक आपके अकाउंट को संचालित करेगा, आपका रजिस्टर्ड फोन नंबर बदलवा कर OTP हासिल करके आपके खाते की रकम को गायब कर सकता है। यानी इस तरह आपका अकाउंट खाली हो सकता है, जिसकी वजह वो सामान्य सी लगने वाली जानकारी है जो खुलेआम बहुत ही कम कीमत पर बाजार में बिक रही है। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि इस खतरे से कैसे बचा जाए, ऐसा क्या किया जाए जिससे हमारी निजी जानकारी गलत लोगों तक ना पहुंचे। ये सवाल हमने इंटरनेट एंड सोसाइटी की पॉलिसी ऑफिसर एंजेलिना से किया। रिएक्टिव मेजर्स हो सकता है जिससे आप साइबर अटैकर का मोटिवेशन कम कर सकते हैं, कि यदि आपको पता है कि यदि एक साइबर अटैक के तौर पे मुझे क्या करना चाहिए, इसके बाद मैं अपने एसेट्स को फ्रीज कैसे कर सकूं, मैं किन किन जैसे कि अभी फ़िलहाल गवर्नमेंट ने काफ़ी सारे इंस्टीट्यूशंस इस्टेब्लिश किए हैं खास करके इन मुद्दों के लिए, तो फिर एक NCIPC है, एक सर्टिन है, पुलिस सेल्स में भी अब एक साइबर सिक्योरिटी सेल बन रहा है। तो ये जो मेजर्स हैं जिससे आप अपने आप को किसी साइबर हैक में आपको पता रहे कि मैं अब ये करूँगी, मैं अब यहाँ पर जाऊँगी या जैसे भी होगा, यदि आप उन मेजर्स को ध्यान में रखेंगे तो आप टाइम सेव कर पाएंगे, और यदि आप टाइम सेव कर पाएंगे तो जो रिवॉर्ड मिलेगा हैकर को वो हैक या अटैक परपेट्रेट करके वो काफी कम हो जाएगा। हम उस दौर में जी रहे हैं जिसमें जानकारी ही सब कुछ है, इसीलिए एबीपी न्यूज की राय है कि सरकार डिजिटल इंडिया के बढ़ावे के साथ साथ उसकी सुरक्षा को लेकर भी पर्याप्त कदम उठाए और जो भी इस तरह लोगों की निजी जानकारियां भेजता है उस पर कड़ी कार्रवाई की जाए। अगर आप इस राय से सहमत हैं तो हमें 8422840000 पर मिस्ड कॉल देकर आवाज जरूर उठाएं। ये है ABP न्यूज, आपको रखे आगे।